गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे पंजाब की बहुत ही पुरानी स्वीट डिश तोसा। ये तोसा स्वीट डिश फाजिल्का की है और ये 100 साल पुरानी है और ये बहुत ही फेमस है पंजाब में। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तोसा बनाने के लिए ये हम लेंगे पनीर। ये होममेड पनीर है जो मैंने अभी ताज़ा निकाला है। ये मैंने 1 लीटर दूध का पनीर लिया है। इसको हम एक ब्लेंडर में डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। ये हमने अपने पनीर को अच्छे से पीस लिया है। ये बहुत ही बारीक हो गया है। अब हम इसको एक बड़े कांच के बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसको बड़े बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ये मैदा। ये मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे इसमें और हमें इसको सॉफ्ट आटे जैसा गूंदना है। इतने 1 लीटर दूध के पनीर में हम 1 कटोरी मैदा ऐड कर देंगे और इसको दूध डाल के गूंदेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये इलायची। ये मैंने इलायची को क्रश कर लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से आप वनीला फ्लेवर भी बना सकते हैं। ये मैं इलायची के फ्लेवर का बना रही हूँ। और इसमें हम अपनी सारी मैदा डाल देंगे और इसको हाथों से मिक्स करेंगे और दूध की सहायता से इसको गूंद लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। रोटी पराठे जैसा सॉफ्ट डो बनाना है। ये हमने अपना डो हाफ नीड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये बेकिंग पाउडर। आप चाहें तो पहले मैदा में भी बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। वो मैं पहले स्किप कर दिया था इसलिए मैं इसको अब मिला रही हूँ। अब इसको हमें बहुत ही अच्छे से नीड करना पड़ेगा ताकि ये सारे डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम अपने डो में थोड़ा सा घी डालेंगे। ये मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे डो सॉफ्ट हो जाएगा। सो व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से नीड करेंगे कम से कम 10 मिनट तक ताकि हमारा डो अच्छे से बन जाए। और अपना तोसा बनाने के लिए हम बनाएंगे अब चाशनी। ये हमने 1 कप चीनी ली है। ये मैं 1 कप चीनी इसमें डाल लूँगी एक फ्राई पैन में, डीप फ्राई पैन में। और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसकी बनाएंगे हम चाशनी। और साथ में ही हम ऐड कर देंगे एक इलायची क्रश करके। हमें इसकी गुलाब जामुन के जैसी चाशनी बनानी है, थोड़ी गाढ़ी। सो व्यूअर्स, हमारा डो कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम अपना डो इस बर्तन से निकाल लेंगे और इसको बेलेंगे। एक प्लेन सरफेस पे मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा डाला है और हम अपना डो इस तरह से प्लेस कर देंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमें थोड़ा मोटा और चौड़ा बेलना है। सो व्यूअर्स, मैंने इसको अच्छे से बेल लिया है। इसकी थिकनेस देखिए और हमारी चाशनी भी बनके रेडी हो गई है। हम चाशनी वाला गैस बंद कर देंगे। और ये मैंने लिया है 1 लीटर पानी एक कढ़ाई में, डीप कढ़ाई में। इसको हमें अच्छे से बॉईल करना है और अपना तोसा इसमें हम बॉईल करेंगे गट्टे की तरह। मैंने अपनी रोटी को इस तरह से चौकोर कर लिया है हाथ से ताकि हमें ये काटने में आसानी रहेगी। अब हम इसमें कट्स लगाएंगे। जैसे हम बर्फी में कट्स लगाते हैं इस तरह से कट्स लगाएंगे। सो व्यूअर्स, पानी में बॉईल आ गया है। अब हम अपने तोसे इसमें डाल देंगे। मैंने इसको अपनी मनपसंद शेप में कट किया है। आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी शेप बना सकते हैं, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं इसको। हमें इसको तब तक बॉईल करना है जब तक ये फ्लोट ना करने लग जाए। ये फ्लोट करने लग गया है, इसे थोड़ी देर बॉईल और करना है, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। हमारे तोसे अच्छे से फूल गए हैं और ये अंदर तक पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे।
ये फ्लोट कर रहे हैं, बस इसकी यही पहचान है कि फ्लोट करने लगे हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसको एक नैपकिन पे या कपड़े पे आप निकाल लें ताकि इसका ये एक्सेस वाटर है ये निकल जाए, क्योंकि हमें इनको फ्राई करना है। अब हम एक डीप कढ़ाई में घी गरम करेंगे, हम इनको फ्राई करेंगे। जब इनका पानी सूख जाएगा फिर हम इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। हमें इनको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। हमने इनको फ्राई कर लिया है, अब हम इनको गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे और इनको हम चाशनी में 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इनके अंदर जूस चला जाए और ये फूल जाए। सो व्यूअर्स, 10 मिनट ओवर हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट पे। इनके अंदर तक अच्छे से जूस चला गया है। सो व्यूअर्स, हमारा पंजाबी तोसा तैयार है। ये देखिए कितनी इजी रेसिपी है। सो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए और ये तोसा बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।